आज और कल देश भर में राखी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि प्रयागराज में राखी से पहले ही पर्यावरण के लिए समर्पित इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिटायर्ड प्रोफेसर एनबी सिंह और उनकी टीम ने अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन का त्यौहार मना लिया है। प्रोफेसर एनबी सिंह की टीम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में पेड़ पौधों का टीका कर उनको राखियां बांधी और इन पेड़ों की हमेशा रक्षा करने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम के बाद प्रोफेसर एनबी सिंह ने कहा कि जब हम पेड़ों की रक्षा करेंगे तो पेड़ हम सबकी रक्षा करेंगे और हमें जीने के लिए शुद्ध वायु प्रदान करेंगे, इसलिए पेड़ों की रक्षा करना हर नागरिक का दायित्व है। मतलब है कि प्रोफेसर एनबी सिंह को हरियाली गुरु के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एनबी सिंह की अगुवाई में ये ग्रीन रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। हरियाली गुरु प्रोफेसर एनबी सिंह को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस को ग्रीन करने का पूरा पूरा श्रेय जाता है। उन्होंने खाली पड़ी विश्वविद्यालय की जमीन पर छात्र छात्राओं के साथ मिलकर अब तक 1 लाख से ज्यादा पौधे रोप दिए हैं। ये पौधे उनकी सेवा और देखभाल से अब पेड़ बन चुके हैं। बिना थके बिना रुके उनका और उनके शिष्यों का ये अभियान अभी तक जारी है। पेड़ों को राखियां बांधने का ये मकसद था कि हम इनकी इनसे ये वादा करते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको कटने नहीं देंगे और अधिक से अधिक हम पेड़ों की रक्षा करेंगे, पौधे लगाएंगे ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो सुरक्षित रहे, हम खुद सुरक्षित रहें। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उस तरह से अगर पेड़ों को हम नहीं बचाएंगे, वृक्षों की रक्षा नहीं करेंगे तो गर्मी ऐसे बढ़ती रहेगी और हम लोग परेशान होते रहेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम उनसे वादा करते हैं कि हम आपको कटने नहीं देंगे। नाम बताएं? अनुराधा। इस मौके पर हरियाली गुरु प्रोफेसर एनबी सिंह ने कहा कि पेड़ पौधे हैं तो पर्यावरण है, पर्यावरण है तो हम हैं, और हम हैं तो हमारे तीज त्यौहार भी हैं। प्रयागराज में भाई बहन के त्यौहार रक्षाबंधन पर पर्यावरण की चिंता करने वाले पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ पौधों को राखियां बांधकर ताउम्र उनकी हिफाजत करने का जो संकल्प लिया, उससे लोगों में भी बड़े पॉजिटिव मैसेज गए हैं। आज हम वृक्षों के रक्षा की कामना करते हुए रक्षा सूत्र बांधा है जिससे उनकी आयु लंबी हो और उनको हम सुरक्षित और संरक्षित कर सकें, क्योंकि वृक्ष हमारे पोषक हैं। वृक्ष हमको प्राणवायु देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमारी आवश्यकता के भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान के सामान बनाते हैं और हमको फिर वापस करते हैं, जो कि हानिकारक गैस है। तापीय विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत बड़ी भूमिका है और पौधे उसको अवशोषित करते हैं, इसलिए हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाते हैं और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं आप वृक्षों को सुरक्षित और संरक्षित करिए, क्योंकि प्राणवायु ऑक्सीजन वृक्ष ही देते हैं। और आपसे दूसरा अनुरोध है कि आप लंबे आयु के पौधे लगाएं, जिससे लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अपने अंदर समाहित कर सकें, संग्रहण कर सकें, जिसको हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। वृक्ष हमारे पोषक हैं। हमारे यूपी न्यूज 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।